बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ मैं हूं वहाब हसन और मैं हूं आपके साथ उनजिला इरफान। सबसे पहले आपकी हेडलाइंस। नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर को करबला बना दिया, मगर मकीनों के गमे हुसैन मनाने पर पाबंदी। शहरियों ने श्रीनगर में कर्फ्यू तोड़कर आशूरा का जुलूस निकाला तो अहलकार टूट पड़े। मुतअद्दिद आज़ादार जख्मी, लाल चौक मुकम्मल सी, चप्पे चप्पे पर अहलकार तैनात। लॉकडाउन के 36वें दिन खुराक का संगीन बहरान। एमनेस्टी इंटरनेशनल की इंसानियत को अव्वलियत दो, कश्मीर का लॉकडाउन खत्म करो मुहिम। कहा, मकबूजा वादी में ब्लैकआउट की कीमत नूह इंसानियत को भुगतना पड़ रही है, जो नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। 80 लाख कश्मीरियों की जिंदगियां पटरी से उतर चुकी हैं, ये सूरत हाल नॉर्मल नहीं। जानता हूं अपनों से राबता टूट जाना कितना तकलीफदेह होता है। कश्मीरी नौजवान का चंद्रयान मिशन के सरबराह को खत। कहा, मेरे वालिदैन मकबूजा वादी में महसूर हैं, वालदा से बात करने के लिए तड़प रहा हूं। आप खुशकिस्मत हैं कि वजीर आजम ने तसल्ली दी और गले लगाया। अफसोस कि मुझे कोई तसल्ली देने भी नहीं आया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी मसला कश्मीर ह्यूमन राइट्स काउंसिल में उठाएंगे। 3 रोज़ा दौरे पर जिनेवा रवाना। अक़वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मलिहा लोधी कहती हैं, भारतीय अक़वाम से मकबूजा वादी में बड़े इंसानी अलमिये का ख़तरा है, यूएन को बातों से आगे बढ़कर कुछ करना होगा। भारत में अकलियतें गैर महफूज। हरियाणा में इमाम मस्जिद को अहलिया समेत कत्ल कर दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक अहले इलाका फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद गए तो दोनों की लाशें हुजरे में मिली। नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रफका की अजीम कुर्बानी की याद में शहर शहर नवी मुहर्रमुल हराम के जुलूस, अज़ादारों की सीना कोबी, नोहा खानी, करबला के प्यासों की याद में जगह जगह सबीलें, नजर न्याज का भी एहतमाम। ईसा खेल में कश्तियों पर मातमी जुलूस निकाला गया। कराची में नवी मुहर्रम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर रिवायती रास्तों पर गामजन। फजाई निगरानी जारी। सिंध में मोबाइल फोन बंद करने के अख्तियारात DIGs और कमिश्नर्स के सपोर्ट। लाहौर में नवी मुहर्रम का मरकजी जुलूस पांडू स्ट्रीट से निकला। जुलूस के रूट पर मोबाइल सर्विस मुअत्तल। ना होगा मोबाइल फोन, ना बनेगी फुटेज। पंजाब पुलिस के तेजी से मंजर आम पर आते कारनामों पर IG ने इलाज ढूंढ दिया। अहलकारों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर पाबंदी, इसलाहात के बजाय करतूत छुपाने की कोशिशें। क्या ऐसे सुधरेगी पुलिस? फिरोजवाला में वकील के मुबैना तशद्दुद की शिकार लेडी कांस्टेबल का हर सूरत मुकदमा लड़ने का ऐलान। कहती हैं, हार मान दी तो कोई अपनी बेटी को बाहर नहीं भेजेगा। मेरा महकमा मेरे साथ है, लेकिन वकला की दबाव की वजह से कुछ नहीं कर सकती। तर्जुमान पंजाब हुकूमत शहबाज गिल कहते हैं, थप्पड़ के केस में गोली मारने की दफात नहीं लगा सकती। नाकामी या तनकीद का खौफ हो तो कोई कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। वजीर आज़म इमरान खान का नौजवानों के नाम पैगाम। साबिक अमरीकी सदर रोज़वेल्ट की शायरी ट्वीट करते हुए, ये नौजवान नस्ल के लिए बेहतरीन नसीहत है। वजीर आज़म छुट्टी गुजरने मरी पहुँच कर। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए फैसला कुन मुज़ाकरात। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 4 रोज़ा इजलास बैंकॉक में जारी। वफाकी वजीर हवाद असर की क़यादत ने 15 रुकनी वफ़ इजलास में शरीक। पाकिस्तान ने पेशरफ्त रिपोर्ट पेश कर दी।
صدر ٹرمپ کی طرف سے مذاکرات منسوخ کیے جانے کے بعد دونوں جانب سے وضاحتیں. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کہتے ہیں نئے مذاکرات کے دوران حملوں کا کوئی جواز نہیں تھا، اب بھی امن معاہدہ چاہتے ہیں. ترجمان طالبان ذبیح اللہ نے کہا مذاکرات منسوخی کا نقصان امریکہ کو ہی ہوگا، اس کی ساکھ متاثر. امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات معطل ہونے کے معاملے پر پاکستان کا موقف واقعہ. ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں پاکستان نے مخلصانہ طور پر افغان امن عمل میں سہولت کار کا کردار ادا کیا. فریقین جلد از جلد مذاکرات کی میز پر آ کر مسئلے کا سیاسی حل تلاش کریں. اسلام آباد، مانسہرا، ایبٹ آباد اور گرد و نواح میں زلزلہ شدت 5 ریکارڈ کی گئی. گہرائی 12 کلومیٹر، مرکز کشمیر اور بھارت کا سرحدی علاقہ تھا. جھٹکوں سے شہریوں میں خوف و ہراس. پنجاب فنی تعلیمی بورڈ کی کارکردگی صفر. ڈی اے ای کے سالانہ امتحان میں 80% طلباء فیل ہو گئے. فرسٹ ایئر کے 80%، سیکنڈ ایئر کے 79% طلباء کے حصے میں ناکامی آئی. ساتھی کہلانے والا ہاتھی دشمن بن گیا. سری لنکا میں سالانہ تہوار کے دوران دو بپھرے ہاتھی شہریوں پر چڑھ دوڑے. 10 خواتین سمیت 17 افراد زخمی. اور روسی دارالحکومت ماسکو 872 برس کا ہو گیا. سالگرہ کی مناسبت سے شہر کے مختلف حصوں میں تقریبات. آتش بازی نے آسمان روشن کر دیا.